उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज जारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश की भी 203 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ की बाकी 70 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और जो अब तक जारी है, शाम को 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे बड़ी संख्या में मतदाता और मतदान स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से और 69 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। बता दें कि एक सीट पर दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। नक्सल प्रभावित एरिया है इस चक्कर में और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीट के लिए और दूसरे चरण के लिए वोटिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज और वहीं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में एक चरणों में ही चुनाव हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ की बाकी 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। और ये देखिए तस्वीरें सीधा मतदान केंद्र से, जहां पर मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बाकी सभी 70 सीटों पर आज वोटिंग की जा रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। और बता दें कि वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने वोटिंग की है। और बता दें कि मतदान स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और छत्तीसगढ़ की 69 सीटों पर शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी। सिर्फ एक सीट पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होंगे। नक्सल प्रभावित एरिया होने के नाते यहां पर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सभी 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग शुरू हो चुकी है।